अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कबाबिश। ये उसके लिए मैंने प्याज इस तरह मोटे मोटे काटे हैं, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, इनको मैं इसमें जग में डाल के ना वो कर लूँगी, शेक कर लूँगी। आज मुझे थोड़ी जल्दी है इसलिए मैं ऐसे कर ली, वरना तो प्याज घी में ब्राउन करके लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का डाल के उस तरह बनाती। इस तरह भी है, ज़रा जल्दी बन जाएंगे फटाफट। थोड़ा जल्दी है मुझे आज। ये घी की चीज़ें चाहिए, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी सारा, इसलिए घी भी चाह रहे मैं तड़कना शुरू कर दिया। और इसकी मेन चीज़ जो हम कीमे में भी डालेंगे और मसाले में भी, ये जीरा साबुत और ज़्यादा धनिया, इनको हल्का सा ये तवे पे भून के गदरा पीस लेंगे। ये अब इसमें जो हमने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया, जो जग में थोड़ा रह गया वो हल्का सा पानी डाल के ना इसे भी हम मिक्स करके इसमें डाल देंगे। ये कीमा चिकन से गोटियों का कीमा बना रही हूँ। ये कीमा इसमें बाउल में निकालेंगे। इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी दरा मिर्च और ये जो हमने मसाला भून के और दरदरा करके रखे आधा ये डालेंगे और एक अंडा डालेंगे। ये अंडा डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल, वो कोई ज़्यादा चटपटे मसाले ये वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अब मैं इन्हें साथ साथ बना बना के फ्राई करती जाऊंगी और उधर से मसाला भी हमारा तकरीबन रेडी है, वो भी अभी आपको दर्शन करवाती हूँ उसके। ये हाथों को इस तरह हल्का सा पानी लगा के, ये हल्का हल्का दबा दबा के ना इस शेप के, ये इस तरह फ्राई हो रही है, इन्हें फ्राई कर कर के निकालते रहेंगे, सारे इसी तरह बना बना के फ्राई कर रहे हैं। चिकन के बनाए, मटन के बनाए, बीफ के बनाए, ऐसी मर्जी है, क्योंकि कि हमारे बच्चे चिकन के खाते हैं इसलिए मैं चिकन के ही बनाती हूँ। ये प्याज अच्छी तरह भून गए हैं, अब मैं इसमें ये डालूंगी जड़ा मिर्च,
नमक, लाल मिर्च, हल्दी, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा भूनेंगे, फिर दही मिलाएंगे और फिर कबाबी की लाश पका देंगे। अब इसमें हम डालेंगे दही, वो जो हमने गरम मसाला रखा हुआ है ना वो बिल्कुल अंग में डालेंगे। ये हमारे जो पसंद है शोर मचा मचा के, ये अब इसने मसाले ने घी छोड़ा है ना, तो अब हम ये डालेंगे। इनको हल्का सा भून के जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल के ये चिकन कहने हैं ना, इसलिए फटाफट पक जाते हैं। बहुत ज्यादा इन्हें फ्राई भी नहीं करना और बहुत ज्यादा इसमें भी नहीं पकाना, इतनी ग्रेवी मैंने तो रखनी है। आपने थोड़ी ज्यादा रखनी है तो थोड़ा ज्यादा पानी डाल दें। ये रेडी है, अब मैं चूल्हा बंद करूंगी और ये जो दड़ा मसाला है इसे डाल दूंगी और फिर इसके दे दूंगी।